हमीरपुर जिले के चमियाना गांव के बशिंदे ने सड़क काम में अड़ंगा पैदा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एसपी हमीरपुर से मिलकर कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर एसपी कार्यालय में पहुंचे दर्जनों चमियाना गांव के बशिंदों ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेताया है कि अगर दो दिनों के भीतर सड़क की समस्या को दूर नहीं किया गया तो ग्रामीण सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमीरपुर जिला के चमियाना गांव के बशिंदों ने सड़क काम में अड़ंगा पैदा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ एसपी हमीरपुर से मिलकर कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर एसपी कार्यालय में पहुंचे दर्जनों चमियाना गांव के बशिंदों ने दो टूक शब्दों में प्रशासन को चेताया कि अगर दो दिनों के भीतर सड़क की समस्या को दूर नहीं किया गया तो ग्रामीण सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। वहीं एसपी हमीरपुर अजित सिंह ने आए हुए प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। आज चमियाना गांव के प्रधान जी के नेतृत्व में कुछ लोग हमारे पास यहां अपने एक देखे गए हैं ज्ञापन, जिसमें उनका कहना है कि कोई उनके गांव में रहने वाला एक व्यक्ति जो है वो उनको सड़क निकालने की अनुमति या निकालने नहीं दे रहा है। इनका ये भी कहना था कि उसने रास्ते पे इंक्रोचमेंट कर रखी है और वो रास्ता जो है ऑलरेडी गांव के लोगों के लिए आने जाने का एक माध्यम था और उसमें सरकारी पैसा भी लग चुका है। और उसके अलावा एक शिकायत ये भी आई थी साथ ही साथ, जिसमें कहा गया था कि वो व्यक्ति रास्ता रोकने का और लोगों को आसपास के गांव को धमकाने की कोशिश भी कर रहा है। तो इन सब दोनों मामलों को देखने के लिए मैंने उनका आश्वासन दिया है और मैंने ये भी कहा है कि एसडीएम साहब से मिलके, एसडीएम सुजानपुर से मिलके वो कोई एक तरीका निकालें जिससे ये रास्ता जो है आम जनता के इंटरेस्ट के लिए जो है निकाला जा सके, और इसमें अगर कोई इस तरह का इंक्रोचमेंट या इस तरह का कोई वो एक्टिविटी हुई है तो उसको सॉल्व करने की रेवेन्यू ऑफिशियल्स के माध्यम से एक तरीका निकालें। दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा ब्रीच ऑफ पीस का कोई अंदेशा अगर होता है तो उसके लिए हम एडिक्वेट पुलिस डिप्लॉयमेंट और सहायता देने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, और इसमें कोई भी अगर कानूनी कार्रवाई करने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम जरूर करेंगे। आपको बता दें कि चमियाना गांव में बन रही सड़क को पुलिस विभाग में कार्यरत कर्मचारी बाधा बना हुआ है और वहीं 40 सालों से मार्ग गांव को जाता है, लेकिन चमियाना के बटेड़ के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं और करीब 6.5 किलोमीटर सड़क का लाभ 500 परिवारों को पहुंचेगा, लेकिन एक व्यक्ति के द्वारा 12 मीटर रास्ता नहीं बनाए दिए जाने से लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके चलते ही अब ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के पास आकर जल्द मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। ग्राम पंचायत बीना देवी ने बताया कि सड़क बनाने के लिए एक पुलिस विभाग में कार्यरत व्यक्ति धमकी देता है और पंचायत में बन रहे रास्ते को भी नहीं बनाने देता है। उन्होंने बताया कि एसपी ने आश्वासन दिया है कि जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत चमियाना के प्रधान हूँ, मेरी सागर सिंह से ये है कि वो मेरे को चलते फिरते परेशान करता है और बोलता है कई प्रधान आए और कई चले गए, तो मेरी प्रशासन और सरकारी डीसी महोदय, एसपी महोदय से सबसे यही उम्मीद है कि मेरा सहयोग करें और जो पंचायत में 5.5 लाख रुपया पड़ा है उसको लगाने की मदद करें। और एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिलाया है कि आप डेट रखो और काम कराने की इच्छा रखो, मैं उसमें आपका पूरा से पूरा सहयोग करूंगा, धन्यवाद। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 40 सालों से सड़क गांव को जा रही है, लेकिन इस सड़क पर एक व्यक्ति द्वारा काम को रोके जाने से दिक्कतें बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि एसपी और डीसी महोदय से मिलकर समस्या को हल करने की गुहार लगाई गई है ताकि लोगों की परेशानी दूर हो सके। लोगों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन समस्या हल नहीं करवाएगा तो लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। साहब से मिले हैं हम लोग सड़क के बारे में, जो 40 सालों से हमारी सड़क चल रही है, ठीक है जी, उसको पीडब्ल्यूडी ने 2 बार ब्लैक टॉप भी किया हुआ है, और जो पुलिसकर्मी है मिस्टर सागर सिंह स्वर्गीय श्री प्रीतम चंद गाँव चमैणा पंचायत में, वो हमेशा उस रोड को इंक्रोचमेंट कर रहा है और हमारा जो गांव है उसके लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है, गाड़ियों में आने जाने के लिए तकलीफ़ हो रही है।
ठीक है जी। और गवर्नमेंट का जो है इस वक्त 4 या 5 करोड़ से ऊपर जो पैसा उस सड़क पे लग चुका है, ठीक है। और हम प्रशासन में हर जगह जा रहे हैं, एसडीओ के पास गए, पुलिस में गए हैं, और आज एसपी साहब से भी मिले हैं और डीसी साहब से भी मिले हैं। उन्होंने 2 दिन के लिए बोला है, जो भी कार्रवाई होगी निश्चित कार्रवाई होगी उसको हम करेंगे, ठीक है। तो हमको पूरा भरोसा है प्रशासन के ऊपर कि हमारी वो हेल्प करेंगे, और जो रोड है वो चमैणा से थ्रू डर भडेड़ होकर बनाल मिलेगा। कितने घर अफेक्टेड हो रहे हैं इससे? कम से 300 घर जो अफेक्टेड हो रहा है हमारा, टोटली पूरा चमैणा गांव जो है। अगर नहीं होता, नहीं होता तो हम फिर धरने पे उतर जाएंगे, ठीक है जी। जो चमैणा रोड की समस्या चली हुई है वो रोड 40 वर्षों से चला हुआ है, और वो रोड आज के टाइम में नबार्ड के अंडर पड़ा हुआ है, और उसका तकरीबन जो डिस्टेंस है एक रोड से दूसरे रोड के बीच में वो 7 किलोमीटर का एरिया है, और उस रोड का नाम है चमैणा मेन रोड से बठेड़ बनाल को टच करता है, और वो वाया डडर होके जाता है, जिसके ऊपर पीडब्ल्यू विभाग द्वारा तकरीबन 3.5 लाख रुपए से ऊपर खर्च करके ब्लैक टॉप बना दिया गया है, और वो मिनिमम 6.5 किलोमीटर का एरिया जो है वो बिल्कुल ब्लैक टॉप हो चुका है। उसके आगे तकरीबन 400 मीटर के एरिया में पंचायत द्वारा सीमेंटेड टॉप पक्का कर दिया है, और सिर्फ एक पुलिसकर्मी श्री सागर सिंह सनौ प्रीतम चंद की वजह से 12 मीटर के एरिया के पीछे जो है वो 7 किलोमीटर एरिया जो है वो ध्वस्त हो रहा है, जिससे कि तकरीबन 300 परिवारों को, गांव के ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। जब ये रोड दोनों रोडों को मेल जोल करेगा तो उससे कम से कम तकरीबन 500 परिवार जो हैं वो इस रोड की सुविधा में जुड़ सकते हैं, लेकिन एक पुलिस कर्मचारी की वजह से जो है वो रोड 12 मीटर की वजह से जो है वो पूरे लोगों को जो परेशान कर रहा है। एसपी से मिले क्या आप? हम एसपी साहब से मिले, उससे पहले डीसी महोदय से मिले, उन्होंने हमें प्रशासन दिया है कि जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी, और जो पुलिस कर्मचारी ने दुर्व्यवहार किया है उसके ऊपर भी जानकारी ली जाएगी, और अगर हमने जो अपनी मांग थी ग्रामीणों ने वो प्रशासन के सामने रख दी है, अगर प्रशासन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो हम सब ग्रामीण इकट्ठे होकर के रविवार को अपने कानून को अपने हाथों में लेकर के जो हो सकता है वो हम रोड निकाल के रहेंगे। धन्यवाद। भक्तों चले छोटे से ब्रेक का, आई मिलते हैं ब्रेक के बाद।